कॉमेडी के इकलौती ऐसी चीज है जो या तो गिफ्ट आपके पास है yes. या आपके पास नहीं yes. क्योंकि वो नेचुरल टाइमिंग पे ही आती है। ये मैंने देखा अगर है भाई। आप लाइफ में नीरस हो तो नहीं आएगी यार ऑन स्क्रीन कॉमेडी। ये तो है, सच में ये तो है, कॉमेडी सीखी नहीं जा सकती। और वो भी है ना कि ट्रेजेडी से कॉमेडी आती, तो व्हाट यू सेड नाउ इट्स एक्चुअली दैट। चार्ली चैपलिन ने बात बोली है। यस, मैंने आज तक कोई अमीर आदमी अच्छा कॉमेडियन नहीं देखा आज तक, क्योंकि सीरियसली बहुत लेते होंगे ना अपने आप को। बहुत जरूरी है अपने आप को सीरियसली ना लेना। तूने बता दिया मेरे बारे में, मैं गरीब हूँ। नहीं, गरीबी से देखा भाई, अमीरी में कैसी कॉमेडी आएगी? आपको ये बात सब कुछ है, मर्सिडीज में बैठ के क्या जोक होंगे, मतलब हां उस पे बैठ के धिक्कार ही होगा बस। तो भाई आप, मैंने ये एक बहुत कमाल का सवाल है, मैंने मुकेश चावड़ा से भी पूछा था। मैंने बोला कि क्या कभी आपको ऐसा कभी प्रेशर आया कि भाई इसको कास्ट करवाना ही करवाना है, वरना देख लेना भाई। मुझे एक बार एक फोन आया था, कोई तो मराठी एक्ट्रेस थी, उनको कास्ट हम नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो वहां से मुझे एक फोन आया था, ए इधर है तू, ए कौन है, तो जाना पड़ेगा अभी वापस। oh. वापस जाना पड़ेगा ना सर, अभी वॉशरूम से आया वापस। नहीं तो मैंने लगा, अरे सर कौन बोल रहा है, जो भी बोल रहे है तू कौन है ये, तो ऐसा एकदम जो टोन में उसने बात की, नहीं, मुझे तो लगा तो मर गया। नहीं 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 यार, मैं तो नया नया क्या कहते हैं, 4 साल हुए होंगे मेरे को दिल्ली में, मैं तब कहाँ तो रह रहा था मुझे याद नहीं है, बट मेरी तो फट गई थी। मैंने क्योंकि हम लोगों ने बॉम्बे की फिल्में देखी, ए भाई काट देगा गला, तो ऐसे वाले बंदे का फोन आया तो ऐसे लगता अब अपना गला। वो टोन में ही खरा, देखो दिल्ली वाले टोन में बात करता हूँ, उल्टा जवाब देता हूँ। हाँ, क्योंकि हम दिल्ली पंजाब वाले, पता है अपने को। और क्या ना, दिल्ली पंजाब में ना कोई भी फोन कर देता है तेरी ये वो, मुंबई में कोई भी नहीं फोन करता। मुंबई में अगर फोन आया है तो उसको सीरियसली लो। और एक तो काम तरीके से जब बोले कौन है तू, ऐसा उसी टोन में लगता है कि भाई तो भीखू मात्र नहीं किया, भीखू मात्र नहीं किया, मतलब दुबई से आया ही। तो आया था एक ऐसा फोन आया था, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा थ्रेड्स भी होते हैं, एम्प्टी थ्रेड्स होते हैं फोन पे, खास बहुत है सर, डरना मत आप। हां नहीं, फोन वाले ज्यादातर एम्प्टी थ्रेड्स होते हैं, समझ गए। बट अदरवाइज ऐसा नहीं। अच्छा, किसी ने ऐसा बोला कि यार मुकेश नहीं है, उनके साथ हुआ था ऐसा भी? हाँ, उन्होंने कहता नहीं यार हम तो नहीं करते इतना कुछ, आए होंगे तो भी उन्होंने शायद नहीं बताए होंगे हमको। नहीं कर दिया, आपने बता दिया, लेकिन वो उन्होंने शायद उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं वो नहीं करता हूँ। कहते पार्टीज में बड़ा तंग होता हूँ मैं, हर कोई आता है सर मैं अभी डैडी से आई हूँ, मैं MBA खत्म किया, बट मुझे शौक था। कहते मुझे होता है कि तुम काम करो, मैं मेरे को क्या कर रहे हो, ऑडिशन देने आओ, फिर मैं देखता हूँ। हाँ नहीं, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कास्टिंग डायरेक्टर्स, एंड आई थिंक मतलब ही ऑल्सो गॉट कास्टिंग डायरेक्शन इनटू, जैसे कहते हैं ना कि मतलब मेन स्ट्रीम में लाना, इसका बहुत बड़ा रीजन है मिस्टर मुकेश छाबड़ा, बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि तब हम लोग तो यार कास्टिंग करते थे ना, मुझे पता था, और हम जैसे मैं और अनमोल थे, हम लोग को थोड़ा पर्दे के पीछे रहने में मजा आता था, ठीक है। बट गौतम किशन चंदानी थे, हनीत रेहान जो कि इस वक्त प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, शानू शर्मा, नंदनी श्रीकंत, अभिमन्यु रे जिन्होंने चकदे की कास्टिंग की थी। तो ये बहुत एक, जैसे कहते हैं एक लेगेसी ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स आ रही थी, मतलब एवेंजर्स थे ये सबके सब। ठीक है, और फिर ये भूचाल आया मुकेश छावड़ा नाम का, और मतलब ही टुक द लाइमलाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट उससे एक्चुअली सबको फायदा हुआ। करेक्ट, उससे मतलब ये हुआ कि अच्छा मतलब कास्टिंग डायरेक्टर का मतलब कोई पीछे का बंदा नहीं है, वो सामने का बंदा है, और वो बहुत जरूरी था, उस तरह का अटेंशन बहुत जरूरी था जिससे कि आप अपनी बात मनवा पाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ना वरना ये सब ट्रैकल करना, ईगोज को मैनेज करना। कि मुझे याद है जब हम पहले कास्टिंग करते थे, लोग बोलते थे कौन है ये नए एक्टर्स, कौन है ये है कौन, उन्होंने कहा सर यही है, मतलब कहाँ थे ये लोग, सर यही है, कोई बस कोई आप तक पहुँचाता नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। राइट है तो यही है, हिंदुस्तान में ही है यार, ऐसे ही होता है, कौन है ये, कुछ किया पहले, इतनी मुझे ये आवाजों से बड़ी, ये वाली जो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे वाले में। बंदा बेचारा जो 100 लोगों को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी लेके बैठा है डायरेक्टर, उसका तो फिर हालत खराब होती होगी यार। हाँ, पर उसको थोड़ी 100 लोग देखने होते हैं यार, उसको तो 5-6 देखने होते हैं जो शॉर्टलिस्ट करके हम दिखाते हैं, तो वो 100 लोग तो हम देख रहे होते हैं। आपने इतनी सारी फिल्में में कास्टिंग कर दी सर, आपको क्या लगता है भाई आपकी बेस्ट? अरे बेस्ट पता नहीं, आई थिंक नो वन किल जैसिका काफी बेस्ट थी, क्योंकि उस टाइम अगर आप फिल्म देखोगे तो मतलब जैसे कहते हैं एकदम नई कास्ट थी, सारे मतलब दिल्ली के। और कास्टिंग ना सिर्फ मेन चेहरों से नहीं होता है, आपके जो मेन चेहरे हैं वो तो ठीक है, वो तो अच्छे होंगे ही, वो तो मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि उस पर सब ध्यान दे रहे हैं, सब ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो होते हैं
वो मतलब बीच का एक बंदा जो टकरा गया, उसने दो डायलॉग बोला, हाँ। या वो रिक्शा वाला जो आके कुछ करके चला गया, ये जो कास्टिंग होती है ना वो बनाती है। और 90% ये कास्टिंग ना बहुत फुद्दू हो जाती है कभी कभी, बहुत खराब एक्टिंग करते हैं बहुत, क्योंकि टाइम नहीं होता, ये नहीं होगा, वो इतनी ऐसे अटक ही गए। फिर कास्टिंग वाले को फिर डबिंग में करो, डांट पड़ती है पूरी पूरी, प्रॉपर डांट पड़ती थी। फिलौरी में तो मुझे बुला लिया था सेट पे, फिल्म थी, भाई तू ही आके करा, तू ही आके करा, मैंने कहा रे यार, हाँ डांट पड़ती थी कि भाई ये क्या भेजा है। हाँ नहीं भेजा ये तो, अब मैं तो बोलता था यार ऑडिशन देख के तो आपने सेलेक्ट किया था, मेरी गलती थोड़ी है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता था। अरे और यही कारण होता फिर वो फिल्मों में आ जाते बार बार, है ना, वो बेचारे खुद थोड़ी आते, उनका तो काम ही है बैकस्टेज रहना। अच्छा नहीं हो रहा है क्या, ठीक है आता हूँ मैं मैं ही कर लूंगा, कौन है कंपाउंडर, चल ठीक है मैं कर रहा हूँ। आप मजे कैसे करते हो जब काम नहीं करना, तब मजे कैसे करते हो? मैं मेरा कुछ फ्रेंड सर्कल है बॉम्बे में जो की इंडस्ट्री के है ही नहीं, तो मैं और वो टाउन में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं टाउन जाता हूँ तो लगता है कि दूसरे शहर चला गया। हाँ, तो अपने आप जो है एक फीलिंग आ जाती है कि मैंने हाँ बॉम्बे छोड़ के आया हूँ मैं। और उसके अलावा मैं मतलब घूमता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, वाइफ के साथ और दोस्तों के साथ। दोस्तों वाला नहीं मुझे अच्छा लगा, वाइफ वाला ठीक। हाँ हाँ मतलब दोस्तों के साथ, मतलब वाइफ के साथ दोस्त भी होते हैं, क्योंकि ये घर जाके कहेगा ना तो वो भी दोस्त घूम रहे थे साथ में। अच्छा वाइफ के साथ फिर वो वाला ठीक है। नहीं नहीं बहुत, हमें एक्चुअली घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, तो जब काम नहीं करता हूँ तो सिर्फ ये प्लान चल रहा होता है कि अगला काम। अच्छा तो यार बड़ी छोटी जिंदगी है, मतलब यू हैव टू कवर अ लॉट, बहुत बड़ी दुनिया है। तो हाँ, तो सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, मैंने देख लिया अभी। मेरा भी वही होता है घूमना फिरना, लेकिन मैं घूम नहीं पाता हूँ, कभी ये आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कोई और काम। नहीं उसके लिए एक ही तरीका है कि आप ब्लॉक कर दो उसको पहले। मैं ये करता था, एक बहुत बड़ी फिल्म की कास्टिंग आई थी मेरे पास, तब हम नए नए थे ऐसी, तब तो ज्यादा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तो फिर भी डिसीजन ले सकता है आदमी, करेक्ट, तब तो बोल सकता है कि हाँ नहीं नहीं यार मैं थोड़ा बिजी हूँ। बट उस टाइम बिजी है, तू क्या कर रहा है, चल बे चल, परसों ही देखा तेरे को, तू मटर छाट रहा था। तो दिबाकर बैनर्जी की फिल्म थी और वायर प्रोड्यूस कर रहा था सैंडी पिंकी फरार, उसकी कास्टिंग के लिए जब मेरे पास फोन आया था तो मैंने बोला था सर मेरा तो टिकट बुक है, मैंने दिबाकर सर को बोला था मेरा टिकट बुक है सर मैं नहीं कर पाऊंगा, बट ही सो स्वीट इन अ वे। मैंने पहली बार हिम्मत करके एक डिसीजन लिया था कि नहीं नहीं यार मैंने अब प्रॉमिस कर दिया है, मुझे जाना है, घूमने जाना था मुझे। कहाँ पर? यूरोप। फिर तो मैं भी मना कर देती हूँ भाई, मैं काम मानता हूँ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है पर मुझे जाना है अभी, क्या कर सकता हूँ। पर दिबाकर सर वाज वेरी स्वीट, उन्होंने कहा कोई बात नहीं तू जूम पे कर लियो, तू मेरे साथ जूम पे रहना, बाकी तेरी टीम तो होगी। वहां से मुझे समझ में आया कि अच्छा टीम के साथ भी काम किया जा सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सारा अपने ऊपर ले लो, ये भी तो होता है कि लोग प्रेशर ले लेते हैं, नहीं नहीं सब मैं करूंगा, मेल भी मैं भेजूंगा, मैसेज भी मैं करूंगा, ऑडिशन भी मैं लूंगा, क्यूज भी मैं दूंगा, इतना नहीं कर सकते। तो आई थिंक टीम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत कोई भी बिजनेस ही काम बनता है, मैंने ये देखा है, लोग बनाते आपको, आप सब चीजें करोगे तो खराब हो जाओगे। बिल्कुल टीम होनी चाहिए अच्छी अच्छी हर काम में, अच्छे अच्छे लोग। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।